नमस्कार दोस्तों मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल आपके हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ये सूचना आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी क्या है हमारी ये रणनीति क्या है ये महत्वपूर्ण सूचना और ये कितना आपके लिए लाभकारी हो सकती है इसकी पूरी जानकारी मैं बहुत ही कम समय में मैं आपको देने जा रहा हूं वीडियो को पूरा सुने कैसे करना है क्या करना है किस तरीके से आगे की हमारी प्लानिंग रहेगी एग्जाम के प्रति वो सभी चीजें मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं बिल्कुल सभी का स्वागत है बिल्कुल सभी को मैं एक सूचना ये देना चाह रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों कि जो भी विद्यार्थी एसएससी रेलवे पुलिस पटवार रीट स्टेनो की तैयारी कर रहा है देखिए प्यारे विद्यार्थियों जर्नल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा उपयोगी है चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो चाहे वो रेलवे हो चाहे पुलिस हो चाहे पटवार हो चाहे रीट हो चाहे स्टेनो हो चाहे एलडीसी का एग्जाम हो विद्यार्थियों हर जगह आपको साइंस का बैटेज काफी अच्छा मिलता है लेकिन आज की जो महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि मैं आपके लिए पर्सनों के रूप में एक टेस्ट सीरीज जारी कर रहा हूं एकदम फ्री और वो टेस्ट सीरीज कैसी होगी उसके लिए थोड़ी सी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सबसे पहले मैं आपको देना चाह रहा हूं पिछली साल लास्ट दो साल तो लगभग हमारे कोविड में ही चले गए लेकिन प्यारे विद्यार्थियों 2018 में ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 140 पेपर हुए थे लगभग 140 पेपर हुए थे ग्रुप डी के मेरी बात को समझने की कोशिश करना 2018 के अंदर जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था विद्यार्थियों उसमें 140 के आसपास पेपर हुए थे और प्रत्येक पेपर में साइंस के 25 प्रश्न थे प्यारे विद्यार्थियों प्रत्येक पेपर के अंदर साइंस का बैटेज रहा था 25 क्वेश्चनों का 100 क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन वहां पे साइंस के थे इसके अलावा 2018 में अपना एक एग्जाम हुआ था असिस्टेंट लोको पायलट ए का यहां पर भी लगभग चालीस के आसपास पेपर हुए थे और यहां पर भी साइंस के क्वेश्चनों की संख्या लगभग बीस के पच्चीस के आसपास हर पेपर में साइंस के क्वेश्चन रहे थे इसके अलावा मैं आपको बताऊं प्यारे विद्यार्थियों 2018 19 आरआरबी जेई 2019 में आर आर वी जेई का एग्जाम हुआ था रेलवे ही लेता है लगभग पच्चीस के आसपास पेपर हुए थे पच्चीस से तीस पेपर हुए थे और यहां पर भी प्रत्येक पेपर में लगभग पच्चीस से अधिक क्वेश्चन साइंस के थे अब बात करता हूं 2017-18 के अंदर आपको पता होगा प्यारे विद्यार्थियों एनटीपीसी का पेपर भी हुआ था 2000 सत्रह में और अभी भी 2021 के अंदर जो एनटीपीसी के पेपर हुए हैं लगभग 60 पेपर एनटीपीसी के हुए हैं इतना मैं आपको बता देता हूं कि एनटीपीसी के अंदर साइंस का बेटेज थोड़ा सा कम रहा है मान के चले एवरेजन हर पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन साइंस के रहे मेरी बात को समझना तो ये कितने पेपर हो गए विद्यार्थियों मेरी बात को आप कैलकुलेट करिए 140 पेपर ग्रुप डी के 40 पेपर असिस्टेंट लोको पायलट के 25 से 30 पेपर आरआरबी जेई के और लगभग 60 को पेपर एनटीपीसी के आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए 140 पेपर प्लस 40 180 60 240 साठ दो सौ चालीस और 25 पेपर लगभग मान के चलिए कि हमारे पास रेलवे के 270 पेपरों का कलेक्शन है 270 पेपरों का कलेक्शन मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए इन 270 पेपरों में मेरी बात को सुनिए इन 270 पेपरों में इन 270 पेपरों में जर्नल साइंस सामान्य विज्ञान के लगभग सामान्य विज्ञान के लगभग साढ़े छह हजार प्रश्न पूछे हैं साढ़े छ हजार प्रश्न इन पेपरों के अंदर आए हैं अब इन साढ़े छ हजार में से लगभग पंद्रह सौ ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं बात को सुनिए हां बिल्कुल रिपीट होते हैं प्यारे विद्यार्थियों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वास्तव में ही रिपीट होते हैं जैसे सबसे लंबी हड्डी विटामिन ए के रोग विटामिन ई e का रोग जैसे मास्टर गंती किसको कहते हैं रुधिर का पीएच का मान कितना होता है तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में लगभग वो रिपीट होते हैं तो लगभग इन 270 पेपरों में लगभग 270 पेपरों में 1500 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगभग रिपीट हुए थे अब हमारे पास में समझिए हमारे पास में विज्ञान के लगभग 5000 हजार प्रश्न बच जाते हैं इन 5000 हजार प्रश्नों को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं बिल्कुल अब आप मुझे यह बता दीजिए कि इन पांच हजार प्रश्नों को यदि हम एक एक करके एक एक करके अगर इनका सॉल्यूशन कर ले तो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर विज्ञान के लिए पांच हजार क्वेश्चन बहुत है अगर मैं आपसे कहता हूं यदि आप पांच हजार क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो आपका 80 से नब्बे परसेंट पेपर विज्ञान का हर एग्जाम में सही होने लग जाएगा अब बात यह है कि इन पांच हजार पेपरों में तीन पार्ट है हमारे पास चार पार्ट है फिजिक्स है केमिस्ट्री है बायोलॉजी है और एनवायरमेंट है प्यारे विद्यार्थियों चार पार्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और पर्यावरण तो अब आप मुझे ये बता दीजिए लगभग मैं मान के चलूं कि लगभग पंद्रह 1500 पंद्रह क्वेश्चन तीनों सब्जेक्टों के हैं पांच सौ पेपर एनवायरमेंट के मान लीजिए पांच सौ क्वेश्चन तो इन पांच हजार प्रश्नों को मैं आपको कैसे कराऊं आप मुझे कमेंट करना नीचे या तो मैं पेपर के पेपर करा दूं जिसमें दस क्वेश्चन जैसे फिजिक्स के आगे दस केमिस्ट्री के आगे पांच बायोलॉजी के आगे या तो पेपर के पेपर करा दूं या फिर मैं आपको पहले ऐसे करा दू फिजिक्स के क्वेश्चन एक साथ केमिस्ट्री के क्वेश्चन एक साथ और बायोलॉजी के क्वेश्चन एक साथ आप मुझे नीचे कमेंट करिए मैं आपका इंतजार करूंगा आप कमेंट का और मैं आपसे यह सुझाव लेना चाहता हूं कि आप मुझे यह बता दीजिए कि इन पांच हजार प्रश्नों में से पहले हम फिजिक्स फिजिक्स के क्वेश्चन पढ़ लें या पहले केमिस्ट्री केमिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़े या पहले बायोलॉजी बायोलॉजी के क्वेश्चन पढ़े आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है विद्यार्थियों जितनी मेहनत मेरे से हो सकेगी मैं आपके साथ करता चलूंगा हां एग्जाम कुछ विद्यार्थी कब, तो कब होगी लेकिन इतना जरूर पता है कि एग्जाम होगी और एग्जाम होगी आप जुट जाइए तैयारी में और लोगों से एक कदम आगे रहना है तो प्यारे विद्यार्थियों लोगों से एक कदम आगे चलना सीख जाइए तो इन पांच हजार में से जितना कोशिश मेरे से होगा मैं करूंगा आपके लिए जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतना मैं करूंगा इसके लिए आपको क्या करना है प्लीज अपना चैनल डाबरा क्लासेज इस यूट्यूब चैनल और इस वीडियो को प्लीज आपके जितने भी एजुकेशन ग्रुप है आपके जितने भी मित्र है प्लीज उन तक शेयर कर दीजिए कि कल से ही सोमवार कल से हम शाम को आठ बजे लाइव आने वाले हैं हर दिन आठ से सवा नौ बजे तक भैया शाम को लाइव क्लास होगी लेकिन लाइव क्लास में कम से कम दो सौ से ढाई सौ विद्यार्थी होने चाहिए इतना सा काम आपको करना है हर दिन आठ से लेकर सवा नौ बजे तक शाम को कोशिश रहेगी कि एवरेजन रोज 25 प्रश्न में आपको कराऊंगा क्योंकि मेरे भाई अगर आप फिजिक्स की क्वेश्चन सीरीज चालू करवाते तो हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो 25-25 ही क्वेश्चन हो सकते हैं हां बायोलॉजी के जरूर हम ज्यादा कर देंगे क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करिए हमारा टारगेट है कि लगभग सवा घंटे की क्लास होगी लाइव क्लास रहेगी हर दिन मंडे टू फ्राइडे विद्यार्थियों मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे पांच दिन क्लासे रहेंगी। हर का करेंगे, आप मुझे यह कमेंट करिए विद्यार्थियों को यह बताना चाह रहा हूं जो मेरे से कहते थे सर आपने जगतपुरा के अंदर जो टेस्ट सीरीज चलाई थी रेलवे के आए हुए प्रश्नों की वो ही टेस्ट सीरीज है विद्यार्थियों आपने मुझे मैसेज किया था कि सर जगतपुरा में जो आपने टेस्ट सीरीज चलाई थी आए हुए प्रश्नों की वो टेस्ट सीरीज वो ही टेस्ट सीरीज अब मैं आपको रिपीट करा रहा हूं तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल जुट जाइए जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक घंटी का निशान होता है उसको भी ऑन कर लीजिए और आठ बजे में लाइव सेशन आपके बीच में लेके आ रहा हूं कल पहली क्लास रहेगी ये कौन से क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो एस का अभी पैटर्न नहीं ले रहा हूं मैं रेलवे के अंदर पूछे हुए क्वेश्चनों का संग्रह मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं साथ में एक छोटी सी सूचना मैं और देता हूं जो विद्यार्थी मेरे से देखिए यहां पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ी मेरी बात को समझिए यहां पे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जिन विद्यार्थियों को साइंस की थ्योरी पढ़नी है प्यारे विद्यार्थियों प्ले स्टोर से प्ले स्टोर आप खूब समझते हो प्ले स्टोर से आप डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें आपका नाम मोबाइल नंबर अच्छे से लिख लीजिए एक ओटीपी आता है उस ओटीपी को दबा लीजिए और यहां से इस एप्लीकेशन से इस डावरा क्लासेज एप्लीकेशन से आप कंप्लीट साइंस की थ्योरी पढ़ सकते हो ना मात्र रजिस्ट्रेशन फीस में बिल्कुल विद्यार्थियों के लिए ना मात्र रजिस्ट्रेशन फीस में प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको कोई भी सूचना मेरे से लेनी है तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए ये व्हाट्सएप नंबर है खुद डावरा सर के तो आप इस पर मैसेज करिए जहां भी आपको पीडीएफ चाहिए क्लास नोट्स चाहिए साइंस की थ्योरी की नोट्स बुक चाहिए वो मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा जो विद्यार्थी टेलीग्राम चलाते हैं प्लीज डाबरा क्लास एज के नाम से मेरा टेलीग्राम लिंक है आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और कल खास सूचना यही है कि कल शाम को आठ बजे प्लीज सभी विद्यार्थी लाइव सेशन से जुड़ना और आपको कोशिश रहेगी कि हर एक प्रशन को हर एक प्रश्न को मैं एकदम बिल्कुल साधारण भाषा में समझाता चलूंगा और विद्यार्थियों इतने सारे क्वेश्चंस में कराने की कोशिश करूंगा जिससे आपके बहुत सारे प्रश्न सही होने लग जाएंगे तो प्यारे विद्यार्थियों आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए आपका फेसबुक व्हाट्सएप जहां भी आप कोशिश हो आप इसे शेयर करिए और कल शाम को आठ बजे लाइव क्लास के साथ जुड़ना भूल मत जाना जितनी मेहनत मेरे से होगी मैं करूंगा और जोश के साथ में आप भी शाम को आठ बजे लाइव सेशन से जुड़ जाइए थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों धन्यवाद